everyone and namaste. Today's video is very important for all the aspired Canadian students. ये video बहुत पहले आ जानी चाहिए, but थोड़ा समय late हो गई हूँ. So today we are going to discuss and compare about the three intakes that Canada has. That is January, May and September. As a student, मैंने इसके बारे में बहुत बहुत सोचा था. I think I took around 1 month and I was still confused कि कौन से intake में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि it's a big decision guys. It's a big decision. और 2 महीने बाद जाऊँ या 2 महीने पहले जाऊँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनटेक अच्छा होना चाहिए. सो आज की वीडियो मैंने उस तरीके से आपके लिए क्रिएट करी है जिसमें आपको समझ आए कि कौन सा इनटेक आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा इनटेक आपके लिए बुरा होगा, किस इनटेक के लिए आपको जाना चाहिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल. यहीं कहीं रेड कलर का एक बटन होगा, प्लीज़ जाके छेती छेती दबा दो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. नाउ लेट्स गो टू द वीडियो. I have written all the points that I wanted to cover for all these three intakes. ताकि मैं कुछ पॉइंट मिस ना कर दूँ तो मैंने एक पेपर पे ही लिख दिया. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जनवरी इनटेक के लिए. सो जनवरी इनटेक ईयर का सबसे पहला इनटेक होता है, ठीक है. और क्या इसमें अलग है, इस टाइम पे ठंड बड़ी होती है कनाडा में. कनाडा एक लाइक विंटर वंडरलैंड बना होता है इस टाइम पे. -10 degrees तो आम बात है. तो पहली चीज़ इस टाइम पे नोट करने वाली है, जनवरी इनटेक हैज़ द अनप्लेजेंट वेदर, ठीक है. अगर आप जनवरी इनटेक के लिए जा रहे हैं तो आपको अनप्लेजेंट वेदर तो झेलना ही पड़ेगा, दैट इज विंटर्स, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज गुड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती है, नहीं. इवन इफ द वेदर इज़ बैड, इवन इफ द वेदर इज अनप्लेजेंट, बट स्टिल दे आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट ऑफर कोर्सेज. तो ऑप्शंस खुले रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एट दैट टाइम. देन हमारा होता है कि लेस कॉम्पिटिशन. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वेदर थोड़ा अनप्लेजेंट होता है, ऑल्सो कम लोग आना पसंद करते हैं जनवरी इनटेक में. तो ऑटोमेटिकली जब कम लोग आना पसंद करेंगे तो कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाएगा. तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज थोड़े लीनियंट भी हो जाते हैं जनवरी इनटेक के टाइम पे. तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन. लीनियंसी डेफिनेटली आपको दिखेगी. सो लेस कॉम्पिटिशन अपने आप है उस टाइम पर. नेक्स्ट इज लेस जॉब्स. अब क्यों है लेस जॉब? इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वेदर बहुत अनप्लेजेंट होता है, ठंड ज़्यादा होती है, लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं, बाहर लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं. अब बाहर ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली लोग पैसे कम खर्च करेंगे. पैसे कम खर्च करेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा. पैसा कम जाएगा तो अगेन जॉब की डिमांड जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी. और जॉब की डिमांड कम हो जाएगी तो स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगी. तो लेस जॉब्स आर वन ऑफ द आई थिंक द वर्स्ट डीमेरिट्स आई वुड से फॉर जनवरी इनटेक. तो आप ये सोच के जाइएगा. नेक्स्ट इज ऑफकोर्स विंटर इनटेक है, लेस जॉब्स है, बट एक मेजर पॉइंट जो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहती हूँ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अप्लाई करने की मिलेंगी. कोर्सेज, सम वंडरफुल कॉलेजेस हैव ओपन देयर कोर्सेज इन जनवरी. आप UBC देखें, टोरंटो देखें, कैलगरी देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, दे हैव ग्रेट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी फील्ड. तो जनवरी इनटेक में आप जा सकते हैं, बट अगर आपको विंटर से बहुत प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट टू गो. क्यों? क्योंकि एकदम से जब वो वेदर चेंज होता है ना तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू एडजस्ट. अगर विंटर से आपका प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर लिटिल फ्रिजाइल इन दैट सेंस, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू सम अदर इनटेक. बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव ऑलरेडी बिन टू प्लेसेस यू लाइक विंटर, देन जनवरी इज द इनटेक फॉर यू. चलिए अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड इनटेक की तरफ, दैट इज़ मे इनटेक. मे इनटेक बड़ा सुंदर इनटेक होता है. इस टाइम पे सनी सनी वेदर होता है कनाडा में. इट्स अ प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल वेदर. समर्स चल रही होती हैं इस टाइम पे कनाडा में. बट ऑन द वेरी सेम साइड इज द शॉर्टेस्ट इनटेक. बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, बहुत कम कॉलेजेस ही इस टाइम पे ओपन होते हैं. तो आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे. अब आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको लोग कम दिखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, सबसे पहली बात, ठीक है. अराउंड सराउंडिंग में इतना कॉलेज वाइब नहीं आएगा आपको, यूनिवर्सिटी वाइब नहीं आएगा, दैट इज़ ऑल्सो देयर. तो ये आप सोच के जाइएगा अगर आप मेन टेक ले जा रहे हैं.
नेक्स्ट इज मोर जॉब्स. एक मेरिट आपका है यहाँ पे, दैट इज मोर जॉब्स, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट है, समर है, लोग निकलेंगे ज़्यादा, ऑटोमेटिकली द होल डिमांड एंड सप्लाई साइकिल यहाँ चलेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा निकलेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा लोगों का फुटफॉल होगा रेस्टोरेंट्स में और हर जगह पे एक्चुअली. तो आपको एज अ स्टूडेंट, एज एन इमिग्रेंट जॉब मिलने में आसानी होगी. सो मोर जॉब्स आर अवेलेबल इन में. सो एज अ स्टूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू गो, आपके पास ऑप्शंस कम है कोर्सेज के फॉर श्योर, बट एज अ स्टूडेंट आपको जॉब मिलने की श्योरिटी डेफिनेटली है मेन टेक में. यू कैन अर्न गुड मनी. अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इनटेक की तरफ, दैट इज सेप्टेम्बर इनटेक, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी बिगेस्ट इनटेक ऑफ कैनेडा. जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, आई थिंक मैक्सिमम 99% ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस गेट्स ओपन इन सेप्टेम्बर इनटेक. आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ स्टूडेंट. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज में अगर प्रॉबेबली अप्लाई करना है, बहुत वेराइटी ऑफ कोर्सेज में अप्लाई करना है, और आपको कोई क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, तो सेप्टेम्बर इनटेक इज द इनटेक फॉर यू. फर्स्ट थिंग, अगर इनटेक बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं साथ साथ आपका कंपटीशन बढ़ जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. हालांकि इनटेक बहुत सारा है, बहुत बड़ा इनटेक है, बहुत बच्चे लेते हैं वो, बट अगेन कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा सितंबर इनटेक के लिए. दैट इज़ देयर. वेदर वाइज अगर हम बात करें, तो वेदर इज़ अ प्लेजेंट वेदर, अच्छा वेदर होता है सितंबर में. इट्स काइंड ऑफ अ स्प्रिंगी वेदर. ठीक है, समर्स भी नहीं कह सकते, विंटर्स भी नहीं कह सकते, विंटर्स जब आ ही रही होती हैं. ठीक है, विंटर की स्टार्टिंग आप बोल सकते हो. इट्स अ प्लेजेंट वेदर. इन टर्म्स ऑफ जॉब्स ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम, एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि ऑफकोर्स व्हेन द वेदर इज़ गुड, तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पर जॉब की मिलेंगी. इट्स नॉट एन इश्यू. सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, तो एज अ स्टूडेंट अगर मुझे दोबारा ऑप्शन दिया जाए, तो एज अ स्टूडेंट आई वुड डेफिनेटली गो फॉर सेप्टेम्बर इनटेक. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है मेरे पास. ठीक है, जॉब की फर्स्ट थिंग, बहुत सारे कोर्सेज में या कॉलेजेस में मैं अप्लाई कर सकती हूँ. सेकेंड थिंग, एंड द वेदर इज प्लेजेंट. सो मेरिट्स मेरिट्स हैं. ठीक है, so I hope this video has made sense and would help you all guys to decide on which intake you would wish to go. Definitely अपने friends and family के साथ share करिए इस video को, दोबारा देखिए, save it for yourself and decide on which intake is best for you. Thank you so much and stay tuned to my channel. Bye bye.